आज जो मीटिंग हुई है ईद के उपलक्ष्य में, उसके बारे में बताएं। अभी आने वाले समय में ईद का त्यौहार आने वाला है और ऐसा कभी कभार होता है, मेरे ख्याल से सदियों में एक आध बार ही होता है कि लॉकडाउन के समय में ईद आ रही है और काफ़ी गंभीर महामारी फैली हुई है और सभी खदराना वासियों के सहयोग से हम इसको नियंत्रण करने में सफल होते नज़र आ रहे हैं। आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि हम ईद को जैसे अभी हम घर पे हैं वैसे घर में रहकर ही इसकी ईद की नमाज़ अदा करेंगे। सभी ने आम सहमति से इस बात को माना है और जो भी हमारे इसमें त्यौहार हैं, पातिया वगैरह जो भी चीज़ें करना हमको, हम सब जब हमने सारी चीज़ें घर से करी हैं तो आम सहमति से ये तय हुआ है कि हम इसको घर से मनाएंगे और कोरोना की इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे। सर, इसमें ईद को लेकर किसी कुछ सामग्रियों की छूट वगैरह मिलेगी प्रशासन की तरफ से? कुछ जनप्रतिनिधि ने ये बात सामने रखी है कि फल फ्रूट की कुछ कमी पड़ रही है, तो ADM साहब ने सबको आश्वस्त करा है कि वो जो नगर निगम की फल की सप्लाई है उसमें और अच्छी उसमें मात्रा में तादाद में फल आपके यहाँ सप्लाई करने का प्रयास और अच्छे से किया जाएगा। सर, ईद का त्यौहार है और उसमें ख़ास तौर से जो ज़रूरत पड़ेगी वो दूध की है, सिरखुरमा है और सेवैयाँ हैं, तो क्या इसकी भी कुछ छूट दी जाएगी? दूध की तो ऑलरेडी छूट चली रही है, सुबह के टाइम दूध वाले आ ही रहे हैं, दूध की कोई समस्या ऐसी सामने नहीं आ रही है और बाकी जो सामान है वो भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और हर जगह उसकी व्यवस्था की जा रही है।